हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सबसे पहले तो हैप्पी गुरु नानक जयंती आप सभी लोगों को। मेरा नाम विवेक है, मैं बहरीन में रहता हूँ। तो क्या नाचोगे? और मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ, मुझे लगभग एक साल होने वाला है यहाँ पर। और मैं यहाँ पर क्या जॉब करता हूँ, मेरी सैलरी कितनी है, मेरी यहाँ पर जॉब कैसे लगी, मेरा डेली का रूटीन क्या रहता है, जॉब प्रोफाइल क्या है, सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आने वाली वीडियोज़ में। तो फिलहाल तो मैं अपने लिए कुछ खाने के लिए बनाने जा रहा हूँ। बेसिकली मैं वेट लूज कर रहा हूँ, तो मैं कीटो डाइट फॉलो करता हूँ। और आज मैं कीटो डाइट में क्या बनाने वाला हूँ आपके साथ शेयर करता हूँ। सो हमारे पास है कुछ फ्रेश हरे धनिए की पत्तियाँ, हमारे पास है पालक और चौलाई की सब्जी जिसको मैंने वॉश कर लिया है अच्छे से, और उसके बाद में इसका जो भी नॉन ईटेबल पार्ट है वो मैंने निकाल दिया है। सो सबसे पहले मैंने नॉन ईटेबल पार्ट निकाला था, देन मैंने वॉश किया। वॉश करने के बाद एक हमने पैन लिया है, पैन में हमने हल्का सा ऑलिव ऑयल डाला है, ये वर्जिन ऑलिव ऑयल है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल थोड़ा सा डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। उसके बाद हम इसमें हल्का सा गार्लिक डालेंगे, बारीक कटा हुआ गार्लिक को अच्छे से भून लेंगे, इसका कलर ब्राउन होने तक इसको भूनेंगे। इसको आप सौते कर लीजिए ऐसे हल्के हल्के। सौते करने के बाद जब ये गोल्डन कलर का हल्का हल्का हो जाएगा, देखिए हल्का हल्का होने लग गया है। सो अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई अनियन। सो कीटो डाइट में फॉलो करता हूँ, और इसमें इतनी ज़्यादा आपको रिस्ट्रिक्शंस लेने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं यही ही खाना है। सबसे पहली बात तो आपको हल्की सी जो क्वांटिटी है डाइट की वो कम करनी है, आपको थोड़ा सा कम खाना है। फिर कीटो डाइट में जो भी चीज़ें हैं वो आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली वेट लूज। मैं ऑलरेडी 8 किलो वजन कम कर चुका हूँ। अब हमने इसमें ये जो भी हमने वॉश करके रखी थी सब्जियाँ, बेसिकली 2 ही सब्जियाँ हैं, पालक और चौलाई, उसको मैंने कट कर लिया है, और कट करके मैंने इसको इसमें डाल दिया है। प्याज भी हल्का सा ब्राउन कलर का, हल्का हल्का सा ब्राउन कलर का हो गया था, उसके बाद में हमने सब्जी मिला दी है, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे नमक, ये नमक डाल दिया हल्का सा, नमक हल्का ही डालना है क्योंकि ये सब्जी बाद में थोड़ी सी रह जाती है। नमक डालने के बाद में हमने हल्का सा चिली पाउडर बहुत ही लाइट, हल्का सा धनिया पाउडर बहुत ही लाइट, एंड उसके बाद में एक और एक कढ़ी मसाला करके आता है, करी पाउडर आता है यहाँ पर बहरीन में, सो वो हल्का सा डाला है, जस्ट ए पिंच ऑफ इट। उसके बाद में इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे सो दैट ये सारे मसाले सब्जी में अच्छे से बाइंड हो जाएं। इस तरीके से इसको अच्छे से मिला देना है। अगेन मैं जो कह रहा था कि आपको बहुत ज़्यादा नहीं खाना, कम कम खाना है, तभी जाके वेट लूज करना है, तभी जाके वेट लूज होगा। अब इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे, करीब 3 से 4 मिनट ढकने के बाद ये मैंने ढक्कन उतार के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, एंड इट इज़ रेडी टू ईट। इसको एक बार अच्छे से मिला लेंगे। That's it. अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे, और बाउल में निकालने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसी लगती है। इसको सबसे पहले एक बाउल ले लेते हैं, बाउल में निकाल लेते हैं। अब इसके ऊपर हल्की सी हम कुकिंग क्रीम डालेंगे जिससे कि इसका टेस्ट और एनहेंस हो जाता है। हमारा खाना बनके तैयार है, मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ कि ये कैसा बना है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कीटो डाइट की सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है, ये ना बहुत ही कम समय में बन जाता है, आपको ज्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट करना अपना, एंड यू कैन इजिली कुक इट, एंड इट्स रियली हेल्दी एंड टेस्टी एज वेल।
गाइस मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, सी यू सून।